आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। हिमाचल प्रदेश से इकलौती बेटी के हाथ पीले करने की हसरत लिए अपने गांव हरिहरपुर आए ज्ञान निषाद की पुराने विवाद की रंजिश पे फावड़े से प्रहार कर की गई हत्या। दो नामजद अभियुक्तों को बाजवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी सहित दो अभियुक्त फरार। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। उर्वा के ग्राम पंचायत अधिकारी अखिलेश चंद को डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर किया निलंबित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। हट्टी माई मंदिर के पास राइज अपार्टमेंट के पार्किंग में खड़ी एक कार में लगी आग। बिल्डिंग के अंदर फंसे सभी लोगों को किया गया रेस्क्यू। बुझा दिया गया आग। कार के अलावा नहीं हुई अन्य किसी प्रकार की हानि। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह ने दी जानकारी। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की मासिक समीक्षा बैठक। किसानों को विभाग की योजनाओं को लाभ दिलवाने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसपी सिटी सोनम कुमार को एसपी संत कबीर नगर बनाए जाने पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन। डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा सहित अन्य अधिकारियों ने उपहार देकर पदभार ग्रहण करने के लिए दी शुभकामना की उनके उज्जवल भविष्य की कामना। अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को एक निजी मॉल में मॉक ड्रिल कर अग्निशमन विभाग ने दिया प्रशिक्षण। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह ने कहा, छोटी सी लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा, ना करें किसी प्रकार की लापरवाही। लगातार दूसरी बार गुणवत्ता सिद्ध करते हुए गोरखनाथ ब्लड बैंक ने बनाया कीर्तिमान। सरकार द्वारा प्रमाणित ब्लड बैंक एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम BEQAS ने प्रदान किया 100% अंक। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा, गोरखपुर और पूर्वांचल सहित समूचे उत्तर प्रदेश के लिए है गौरव का विषय। और 15 अप्रैल को सेंट जोसेफ स्कूल के प्रांगण में ईसाई समुदाय द्वारा मनाया गया गुड फ्राइडे की गई विशेष प्रार्थना। यीशु मसीह के तीसरे दिन पुनः जीवित होने पर मनाया जाएगा ईस्टर संडे का पर्व।